तो फाइनली दोस्तों हम कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का मासिक परीक्षा जो आपका मासिक टेस्ट पेपर होता है 2024-25 का देखने वाले, जो कि आपका स्कूल में होने वाले हैं। तो हमने सभी विषय के उपलब्ध करा दिए, आपका हिंदी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित और हम संस्कृत का देखने वाले हैं। तो फटाफट आप हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी आपके जो अभ्यास टेस्ट पेपर हैं उनको आप देख कर जाइए और स्कूल में अच्छे से कर जाइए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम संस्कृत विषय का देखने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, उचित विकल्पम चित्वा लिखित। पहला है आगत्य, इत्यत्य, प्रत्यय, अस्ति। तो यहाँ पर इसमें लियप प्रत्यय हो जाएगा, द नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा, चार अंक में पूछे गए हैं। दूसरा है अधोलिखितेषु प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पर इसमें विलोक हो जाएगा, आ नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा अत्र, स नंबर को ऑप्शन इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न है अधोलिखितेषु अव्ययम नास्ति, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर होगा मोहिना होगा, बा नंबर का विकल्प हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 दिया गया है, कोष्ठ का चित्वा रिक्त स्थानी पूर्य, चार अंक में पूछे गए। पहला है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जनत्व है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा तुष्यंती, इसका आंसर होगा तुष्यंती। दूसरा है पिबंती खालिस्तान स्वयमेव नाभ्य है, तो यहाँ पर इसका आंसर नध्यय हो जाएगा। तीसरा है बाल का ब्रजंतम मधुरकम अपश्यत, तो यहाँ पर इसका जो उत्तर हो जाएगा पुष्पोदयानम हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद चौथे नंबर का खालिस्तान है कुक्कुर है खालिस्तान मित्रम अस्ति, तो यहाँ पर मनुष्याणाम हो जाएगा इसका उत्तर, इस प्रकार से खालिस्तान के उत्तर हो जाएंगे। तीसरा दिया गया उचित युग्म इल्लम करो, सही जोड़ियाँ मिलाइए, इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं। आस्वादयोतहा, तो इसकी आपको चौथे नंबर से मिलाना है पद्य से। खा नंबर में दिया गया है दृष्टिपथम, तो इसकी सही जोड़ी आपको पहले नंबर से मिलाना है दृष्टिपथ्या। गा नंबर का है गुण युक्ता है, तो इसकी सही जोड़ी आपको तीसरे नंबर दरिद्र से मिलाना है। चौथा है यहाँ पर घ नंबर का पुष्पोद्यानम, तो इसकी सही जोड़ी आपको पुष्पाणाम उद्यानम से मिलाना है, इस प्रकार से सही जोड़ियों के उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है प्रश्न क्रमांक 4 में जो है आपको कुल यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए, जिनमें से आपको कोई कोआपी चतवार है, 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आप देख लीजिए, फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आपको इनके उत्तर हम बताने वाले हैं। पीडीएफ बनाई हमने, तो वहाँ पर आपको उत्तर बताए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में यहाँ पर अधोलिखित पद्यांश चित्वा प्रश्नानाम उत्तरणी, कोआपी 2 लिखना, कोई 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है पद्यांश में, आपको 2 अंक में पूछा गया है। तो प्रश्नों को आप देख लीजिए, हम उत्तर बताने वाले हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न के सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे, चारों प्रश्नों के उत्तर जो विकल्प पूछे गए थे इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 में खालिस्तान पूछे गए थे, इस प्रकार से चारों खालिस्तान के उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 3 में सही जोड़ियाँ, इस प्रकार से इनके उत्तर हो जाएंगे, इस प्रकार से आपको बनाकर लिखना है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से तैयार करें। प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए, फटाफट आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से तैयार करें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 में कोई 2 प्रश्नों के उत्तर लिखना है, तो कोई भी आप 2 तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक सभी प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए गए हैं। इसी तरह आपको त्रैमासिक परीक्षा के पेपर भी आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।